ओके फ्रेंड्स, सो हम ये 2D फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हमने सब प्रोसेस कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया हुआ है। अभी हम एनालिसिस मोड में जा रहे हैं। उसके लिए सिंपली एनालिसिस एड प्रिंट में जाओ और ऑल पे क्लिक करके एड पे क्लिक कर दो और क्लोज कर दो, और फिर एनालिसिस में जाके रन एनालिसिस। जब भी आप पहली बार एनालिसिस रन करते हो तो आपको फाइल सेव करनी जरूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जीरो एरर जीरो वार्निंग दिखा रहा है। और यहाँ से आप गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाओ और आप देख सकते हो दोनों लोड ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर दोनों लोड अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड भी कर सकते हो और सिंपली अप्लाई ओके। तो ये आपका पोस्ट प्रोसेसिंग मोड आ चुका है। अब यहाँ पे आप नोड में जाके रिएक्शन में जाके यहाँ से आप रिएक्शन निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स वाई जेड एम एक्स एम वाई एम जेड सब यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चेक करना है तो आप डिस्प्लेसमेंट में जा सकते हो और फिर कंट्रोल प्रेस करके आप उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेक कर सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और एक एक करके आप सब ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मुझे शीयर फोर्स दिखना है तो मैं यहाँ पे F5 करके ऑन करके और ये जो मेरा बीम है उसका मैं शीयर फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है इसीलिए ये पैराबोलिक कर्व दिखा रहा है। यहाँ पे यूडीएल है इसीलिए ट्रायंगल दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो भी लोड्स है उसकी सब वैल्यूज और ये सब डिस्प्ले हो रहा है। अभी दूसरी चीज कि अगर आप बीम में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास मोमेंट भी दिखा रहा है, तो मोमेंट आप कंट्रोल प्रेस करके उसकी मोमेंट भी यहाँ से चेक कर सकते हो। और फिर ये मोमेंट की अगर आपको वैल्यू शो करनी है तो आप रिजल्ट्स में जाके व्यू वैल्यू में जाके बीम रिजल्ट्स और जो हमारी बेंडिंग मोमेंट है उसकी सपोज मैक्सिमम वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी है तो भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड वैल्यू मिड पॉइंट वैल्यू डिस्प्ले करना है तो भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको शीयर फोर्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो सबसे पहले आपको शीयर फोर्स ऑन करना पड़ेगा। लेट अस से टेम्पररी में बेंडिंग मोमेंट ऑफ करता हूँ और यहाँ पे रिजल्ट्स में जाके व्यू वैल्यू शीयर की मैक्सिमम वैल्यू मुझे ऑन करनी है तो मैक्सिमम शीयर फोर्स कितना आता है वो मैं यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे डिफ्लेक्शन भी चेक करना है तो भी मैं चेक कर सकता हूँ। ये मेरा डिफ्लेक्शन है और कंट्रोल प्रेस करके मैं डिफ्लेक्शन जो मेरा बीम का है पोर्टल फ्रेम का वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। रिजल्ट्स में जाके व्यू वैल्यू में जाके यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को ऑन करके एनोटेट और फिर ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। और अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आउटपुट के लिए आप सिंपली रिपोर्ट्स में जाके यहाँ से आप रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हो। मुझे सब इंफॉर्मेशन चाहिए और फिर सिंपली क्लिक ऑन ओके पे जाके और क्लिक ऑन प्रिंट और उसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। अगर मैं एनिमेशन में जाता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ से मैं बीम का एनिमेशन भी देख सकता हूँ। एनिमेशन में जाके फ्रेम पर सेकंड डिफ्लेक्शन से 30 फ्रेम पर सेकंड और सिंपली लेट से 30 30 और 40 एंड सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई डिप्ले नंबर ऑफ फ्रेम्स लेट से 3 फ्रेम पर सेकंड। ओके, तो इस तरीके से आप एनिमेशन भी कर सकते हो। सेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी अगर आपको
आप देख सकते हो सेक्शन वाइज भी वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। और फिर अगर आपको ग्राफ्स चाहिए तो रिपोर्ट्स एंड ग्राफ में रिपोर्ट्स में जाके सब रिपोर्ट आप कलेक्ट कर सकते हो, और बीम में जाके आप ग्राफ वाइज पर्टिकुलरली बीम की सब इंफॉर्मेशन आप टेक कर सकते हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप एडिट में जाते हो और टेक पिक्चर में जाते हो तो आप टेक पिक्चर वाइज आप उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से निकाल सकते हो। और एक और चीज़ है कि अगर आप मॉडलिंग में अगर आपको डायमेंशनिंग शो करना है तो यहाँ पे डायमेंशनिंग का ऑप्शन है, डायमेंशन टू व्यू डिस्प्ले क्लोज, तो आप देख सकते हो सभी का डायमेंशन यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अगर आपको डायमेंशन नोड टू नोड डिस्प्ले करना है रिमूव, और फिर नोड टू नोड डायमेंशन डिस्प्ले करने के लिए आप ये नोड से ये नोड को क्लिक करो तो आपको नोड टू नोड डायमेंशन भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 2D फ्रेम का एनालिसिस, किस तरीके से हम डिफरेंट लोड अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम मटेरियल सिलेक्ट करके उसकी क्रॉस सेक्शन साइज भी अप्लाई कर सकते हैं, सपोर्ट कंडीशन लोडिंग कंडीशन अप्लाई करके किस तरीके से उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया।